शेरावाली जी का बोल साचे दरबार की जय। पहुंच चुके हैं कटरा और भाई ट्रेन को आना था 4:30 बजे बट ट्रेन पहुंची है रात के 12:30 बजे और ये है कुछ कटरा का रेलवे स्टेशन। ये लो जी फिलहाल बिल्कुल खाली, सामने खड़ी है वंदे भारत एक्सप्रेस और मैं उस टाइम मालवा एक्सप्रेस के अंदर जो कि आ जाइए 8:30 घंटे लेट। तो भाई फाइनली बट पहुंच चुके हैं कटरा के अंदर, बहुत ज़्यादा खुशी है। जय माता दी। वीडियो पूरे तभी टाइम हो रहा है 12:47 और हम आ चुके हैं कटरा के अंदर, सामने खड़ी है हमारे पीछे मालवा एक्सप्रेस। और भाई कितने घंटे लेट है ये? भाई 8-8.5 घंटे लेट है ट्रेन और टाइम ये हो रहा है। माता रानी जी का भवन सामने, ऊपर आपको दिख जाएगा माँ अर्धकुंवारी जी का भवन और सामने खड़ी हमारी वंदे भारत एक्सप्रेस। तो जस्ट इससे उतरे हैं और टाइम इसको एक्चुअली आना था 4:30 बजे, ये ऑलमोस्ट 8.5 घंटे लेट है, जिसकी वजह से जो हमारी ट्रिप थी वो आधी से ज्यादा मतलब कि आउट ऑफ शेड्यूल चल रही है। बट फिर दोबारा से शेड्यूल करना पड़ेगा और जो हमारी कल की ट्रेन जाएगी वो भी शायद से कैंसिल हो सकती है, तो हमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे इसके अंदर। बाकी अगर आप लोग भी अगर आ रहे हो तो भाई एक चीज़ जानना कि इस टाइम में ट्रेन में शेड्यूल में काफ़ी ज़्यादा चेंज आया हुआ है जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है हर किसी को। तो आप प्रॉपर अपने अकॉर्डिंग ना ये ट्रेन का शेड्यूल चेक करो बुक करने से पहले, क्योंकि ये वाली जो ट्रेन है जो इसका रोज का शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंग नहीं आई है, दूसरे रूट से आई है, तो टाइम बहुत ज़्यादा ले लिया इसमें, इस वजह से आपको भी प्रॉब्लम होगी। एक चीज़ और बताया था हम आपको, सबसे बढ़िया बता मतलब हमारे साथ क्या हुआ, हमने टिकट पहले कर ली, हमें नहीं पता लेट होगी, अगर चलो लेट होती भी 1-2 घंटे चल जाता है, लेकिन हमने क्या किया ना, हमारे दिमाग से निकल गया बिल्कुल कि ज़्यादा लेट हो जाएगी। और ये भी चीज़ दिमाग से, जो कार्ड बनता है RF कार्ड, मतलब मुझे बोलना नहीं आ रहा उसका पूरा नेम, RFID कार्ड, वो भाई वो सिर्फ रात के 10 बजे तक ही बनता है, उसके बाद वो बंद हो जाता है। इसका मतलब अगर हम अभी दर्शन करने स्टार्ट करें ना तो हम नहीं कर सकते, वो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि भाई वो 5 बजे तक रुकना पड़ेगा, उसी टाइमिंग यही है, ध्यान रखो उसी टाइमिंग है कि वो सुबह 10 बजे से 5 बजे तक मिलता है। और अभी हम लोग जा रहे हैं स्टे करने के लिए, हम स्टे करेंगे पहले एक तो भाई डोरमेट्री बुक है वहाँ चल के देखते हैं, जहाँ तक पता है डोरमेट्री 12 बजे आफ्टर कैंसिल हो जाती है, तो वहाँ चल चेक कर लेते हैं। बाकी सामने आप देख रहे हो, सामने हमारी माँ अर्धकुंवारी जी का भवन पवित्र गुफा गर्भजून है, वो वहाँ लोकेटेड है। तो अभी चलते हैं अपना स्टे करते हैं और बाकी सुबह नहा धो के अपना तैयार होकर यात्रा स्टार्ट करेंगे। वीडियो पूरी एंड तक देखना, प्रॉपर एक्सप्लेन करूंगा। और सबसे बड़ी बात क्या है, इस टाइम यहाँ भी आपको RFID कार्ड मिलता है बट टाइम ज़्यादा रखा है तो यहाँ नहीं मिलेगा, अगर आप सुबह के टाइम ट्रेन आती है तो आपको मिल जाता है इजीली। एंड आप लोग भी देख सकते हो जो रेलवे स्टेशन पे यात्रा रजिस्ट्रेशन काउंटर है उसकी टाइमिंग्स प्रॉपर मेंशन है, इस टाइमिंग के अकॉर्डिंग आपको RFID कार्ड मिलता है, इसके अलावा RFID कार्ड नहीं मिलता। आ चुके हैं बाहर और इससे हम जा रहे हैं कटरा बस स्टैंड पे, तो जाके कुछ खाएंगे पियेंगे और वहाँ जाके देखते हैं कैसा क्या रहने वाला है। बाकी देख लो बाहर आपको, अगर आपको होटल पर स्टे करना है स्टेशन के पास तो सामने आपको होटल कालका रॉयल मिल जाएगा, इसके अलावा इधर हमारा हॉलीडे इन भी है, इस तरफ ही देख लो वो भी है। बाकी आपको बहुत सारे होटल्स मिल जाएंगे, तो यहाँ रुकना यहाँ रुक सकता है कटरा बस स्टैंड के पास, बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास हैं ऑलरेडी। और यहाँ पे आने का सबसे मेन रीज़न क्या है भाई, यहाँ पे आते सबसे पहले अपने लिए सिम कार्ड लेना बहुत जरूरी है। भाई सिम कार्ड ले लो क्योंकि यहाँ पे चलती ही नहीं है, जम्मू की सिम में जल्दी। अगर आपके पास पोस्टपेड सिम है तो वो सिम चल जाएगी, अगर आपके पास कोई प्रीपेड सिम है किसी कहीं से भी जम्मू से बाहर की तो नहीं चलेगी। और जस्ट सामने आपको एक काउंटर मिल जाएगा, यहाँ से आप आके सिम ले सकते हो, सिम के अंदर आप चाहे आप जियो की ले लो या फिर आप अपनी एयरटेल की, दो ऑप्शन मिलते हैं आप वो ले सकते हो। तो आगे बढ़ते हैं यात्रा में और हम चलते हैं बस स्टैंड पे, सामने आपको मिल जाएगा माँ अर्धकुंवारी जी का भवन पवित्र गुफा गर्भजून। सामने आप देख रहे हो कटरा का मेन बस स्टैंड है और ऊपर आपको वहाँ मिल जाएगा पवित्र गुफा गर्भजून। और अगर आप आ रहे हो तो भाई ये देख लो सामने आपको मिल जाता है, ये रहा टूरिस्ट रिसेप्शन सेंटर, जस्ट इसके बगल में आपको मिल जाता है जहाँ से आपको अपना प्रॉपर RFID कार्ड लेना होता है, तो वहाँ से आपको RFID कार्ड मिलता है बट इस टाइम बंद है, सुबह 5 बजे ओपन होगा तभी आप लोग यात्रा कर सकते हो। यहाँ से रास्ता सामने आपको बर्गर किंग मिल जाएगा, तो ये मेन चौक है कटरा का और उधर आपको कटरा की मार्केट मिल जाएगी, आपको कोई भी ड्राइवर प्रसाद बाय करना वहाँ से बाय कर सकते हो। और जो हमारी डोरमेट्री बुक है वो डोरमेट्री बुक है इधर नीचे हमारी कॉम्प्लेक्स के अंदर, इधर ये रहा हमारा रात्रा यात्रा रजिस्ट्रेशन काउंटर। और देखो तो यहाँ प्रॉपर ना टाइमिंग मेंशन है, ओपनिंग टाइमिंग 5 AM और क्लोजिंग टाइम 10 PM, इसके बाद आप यात्रा कर तो लो अगर आपके पास कार्ड और विदाउट कार्ड यात्रा अलाउ नहीं होती। और वहाँ ऊपर देख लो हो रही हमारी माता रानी जी का जो प्रॉपर ट्रैक बना है वो रहा, और कुछ ये जो ट्रैक आपको दिख रहा होगा ना ये ताराकोट वाला ट्रैक है जो हमारा न्यू वाला रास्ता वो वाला, ये लंबा बहुत है, इसमें आपको ना फैसिलिटीज़ कम मिलती हैं, इसके अंदर लॉकर फैसिलिटी नहीं है, दूसरी बात इसके अंदर आपको खाने पीने के लिए बहुत कम मिलता है। और ये आपको इधर मिल जाता है, सामने है हमारा निहारिका कॉम्प्लेक्स जिसके अंदर हमारी डोरमेट्री शक्ति भवन के अंदर बुक है। तो एक बार चल के पूछते हैं क्योंकि भाई टाइम ऑलरेडी ना नेक्स्ट डे लग चुका है, अब कुछ नहीं पता कि डोरमेट्री मिलेगी नहीं मिलेगी, क्या कुछ आने वाला है, तो एक बार चलते हैं चल के पूछते हैं कैसा कुछ है, अपनी डोरमेट्री में जाके थोड़ा रेस्ट करते हैं, नहा धो के तैयार होते हैं, सुबह आप सबको मिलेंगे RFID कार्ड लेने के बाद बाणगंगा पॉइंट पे,
वहाँ से अपनी यात्रा को आगे करेंगे। तो जय माता दी। कॉम्प्लेक्स वैसे तो देखो होटल्स बहुत सारे मिल जाते हैं, बट अगर आपको कम पैसों के अंदर आपको स्टे करना है तो ये श्राइन बोर्ड की तरफ से मात्र 150 रुपये के अंदर आपको इसके अंदर प्रॉपर एक बेड मिल जाए जिसमें आप स्टे कर सकते हो। और एक बार चल के आपको दिखा दो अंदर कैसे क्या बेड रहता है। तो इधर से आपको रास्ता मिल जाएगा, यहाँ से आप लोग ऊपर भवन के लिए अगर आपको रिजर्वेशन करनी है वो करा सकते हो। सामने आपको भोजनालय मिल जाता है और वो सामने आपको दिख जाएगा डोर मैट्री शक्ति भवन। और किसको रूम वगैरह बुक कराना है तो आप लोग उसके अंदर भी बुक करवा सकते हो। आते हो भाई देखो, एक तो आपको शक्ति भवन मिल गया जो ये होता है शक्ति भवन, जिसके अंदर आप जाओगे आपको प्रॉपर 150 रुपये के अंदर बेड मिलता है क्योंकि ऑनलाइन बुकिंग होती है। और बाकी दूसरा आपको मिल जाता है आशीर्वाद भवन जो कि यहाँ से आगे जाके पड़ता है। अगर आपको दिखाऊँ तो इधर आगे जाके पड़ेगा आशीर्वाद भवन जो कि लेटेस्ट, आपको वहाँ भी बेड मिल जाएगा। और यहाँ आपको पीछे मिल जाएगा निहारी होमले जिसके अंदर प्रॉपर रूम्स जो चाहिए तो वो इसमें आ सकता है। बाकी ये हमारा प्रॉपर भोजनालय जिसके अंदर आप स्टे कर खाना वगैरह खाना है। श्राइन बोर्ड की तरफ से बहुत कम अमाउंट में खाना मिल जाता है। और इधर आपको अगर आपको ऊपर भवन पर रुकने के लिए कुछ भी पता करना है तो यहाँ से वो इंक्वायरी कर सकते हो। मेटर में मिल गई है और हम लोग यहाँ आए अभी कटरा बस स्टैंड पर कुछ खाने पीने के लिए। तो यहाँ कुछ अपना खा पी के नाश्ता करके डोर मेटर में स्टे करेंगे सुबह 5 बजे। यहाँ से अपना RFID कार्ड लेके यात्रा स्टार्ट करेंगे और प्रॉपर हम लोगों ने सिम कार्ड अपना ले लिया हम, क्योंकि हम आते रहे तो ऑलरेडी हमारे पास है ऑलरेडी। बाकी जो नया आता है सिम कार्ड यहाँ भी आपको मिल जाएगा, बहुत सारी शॉप से यहाँ से आप ले सकते हो। बाकी ड्राई फ्रूट आपको प्रसाद देना वहाँ से ले सकते हो। और जो ऑथराइज्ड जो हमारा स्टोर होता है प्रसाद का वो हमारा ये रहा सोवनियर शॉप, आप यहाँ से भी ले सकते हो। तो इस टाइम हम लोग आ चुके हैं RFID कार्ड का अपना रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, जिसे हम यात्रा रजिस्ट्रेशन कार्ड भी बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको अपना कोई भी अपना आइडेंटिटी प्रूफ शो करके आपको आपका रजिस्ट्रेशन कार्ड मिल जाएगा। फाइनली हमारा RFID कार्ड मिल चुका है और बहुत कम भीड़ है अभी, तो आपको कोई भी आप अपना आईडी कार्ड प्रूफ करके RFID कार्ड ले सकते हो। और इस कार्ड को यात्रा कार्ड भी बोलते हैं, इसके बिना भी यात्रा नहीं कर सकते। इसी वजह से हम लोगों को इतना वेट करना पड़ा है। तो फाइनली हमें अपना RFID कार्ड मिल चुका है, यात्रा स्टार्ट कर रहे हैं और अपने एक बार सामान वगैरह डोर मैट्री में अंदर वापस रख के चलते हैं। टाइम हो रहा है सुबह के 8 बज रहे हैं, 5 बजे का शेड्यूल किया था बट ऑलरेडी हो नहीं पाया, बट फाइनली अब यात्रा स्टार्ट कर रहे हैं अपनी। तो ये रहा हमारा निहारी का कॉम्प्लेक्स, इसके अंदर जाकर मैं सामान वगैरह अंदर रखना डोर मैट्री के अंदर, फिर करते हैं हम यात्रा स्टार्ट आज की। जय माता दी। पहले नहा धो के ऑल सेट है, लुक चेंज हो चुकी है। उधर पीछे आपको दिख रहा होगा माँ अर्धकुंवारी जी का पवित्र हुआ गर्भजून। और अभी चल रहे हैं बाणगंगा पॉइंट पे, वहाँ पे आप सबसे मिलते हैं क्योंकि ऑलरेडी हम काफ़ी ज़्यादा लेट चल रहे हैं। तो मिलते हैं आप सबसे बाणगंगा पॉइंट पे और बाकी सारा शेड्यूल आपने कल देख ही लिया होगा। तो आओ तो एक बार अपनी अपनी ट्रेन चेक करके आना, मिलते हैं आप सबसे बाणगंगा पॉइंट पे। जय माता दी। कल सुबह के 8:12 और फ्रिस्किंग पॉइंट और वो ऊपर सामने चरण पादुका जी मंदिर, ऊपर सबसे ऊपर भारत ग्वारी जी का भवन हो रहा हमारा और इसके बैक साइड में मिलता है आपको माता रानी जी का भवन। तो यात्रा स्टार्ट करते हैं जय माता दी का नाम लेके। जय माता दी। तो भाई सामने से यहीं से यात्रा स्टार्ट होती है फ्रिस्किंग पॉइंट से, सब कुछ यहीं पर चेक वगैरह होता है। तो जो मेरे स्मोकिंग वाले आइटम थे वो सब साथ में कैरी ना करो। तो यात्रा में आगे बढ़ते हैं। जय माता दी। पॉइंट क्रॉस कर लिया यात्रा में आगे बढ़ते हुए और अभी थोड़ी देर में इस रास्ते से जाते हैं आगे चले को बाणगंगा पॉइंट मिल जाएगा। और इधर से भी रास्ता है बाणगंगा जाने का, बट हम लोग प्रेफर करते हैं आगे वाला हमेशा क्योंकि इधर से थोड़ा टाइम बच जाता है अपना। कुमार जी जो थे उनके स्टोर और नीचे आपको मिल जाएंगे इनका लंगर। यहाँ जाने का रास्ता आपको पीछे से मिल जाता है नीचे आने का, और बाकी ये लिखा हुआ प्रॉपर लंगर रास्ता आगे से है। तो जो भी लंगर खाना चाहता है फ्री का वो यहाँ पे जा सकता है। आपको जाना है ताराकोट मार्ग से, उसके लिए रास्ता अलग से बना हुआ है। ये रास्ता हमारा ताराकोट मार्ग वाला है, इसको जाना है यहाँ से। और जो हमारा पुराना रास्ता है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। और जो भी हमारे घोड़े का पिट्ठू पालकी का प्राइस वगैरह है तो वो कुछ ये रहता है, आप लोग स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हो। ये प्राइस रहता है और वहाँ से इसका रजिस्ट्रेशन होता है, आप वहाँ से लेके अपनी यात्रा आगे स्टार्ट कर सकते हो। इधर से आप लोग अपना बुकिंग करा सकते हो जिसको भी पालकी पिट्ठू पोनी टेल अगर आपको बुक करना है तो। और इधर से देख लो भाई, आज की डेट है हमारी, मैं आपको डेट दिखा देता हूँ, डेट है हमारी 25 अप्रैल और श्रद्धालु की संख्या थोड़ी सी कम है, बट हाँ अभी सुबह अर्ली मॉर्निंग है तो इस चक्कर में मेघ कम है, मे भी ज़्यादा हो सकती है आगे चल के। और यात्रा में आगे बढ़ते हुए जय माता दी। बाणगंगा पहुँच चुके हैं और बाणगंगा का आपको थोड़ा कुछ बताता हूँ। देखो इधर से कुछ हमारी बाणगंगा आ रही है फिलहाल, अभी तो कुछ पानी कम है इसमें शायद से, इस तरह से रहता है। ये माता रानी जी ने बाण से प्रकट करी थी इसलिए इसका नाम है बाणगंगा। और सामने आपको प्राचीन मंदिर मिल जाता है। तो यात्रा में आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे स्नान अवश्य करें, यात्रा में स्नान करके नीचे आके आप जल के छींटे भी ले सकते हैं और यात्रा में आगे बढ़ सकते हैं। जय माता दी।
यात्रा में आगे बढ़ते हुए और सामने आपको मिल जाएगा ये महाकाल स्टूडियो है। जस्ट इसके बगल से स्टेयर स्टार्ट होती है और यहाँ से स्टेयर्स का रास्ता स्टार्ट हो जाता है, यहाँ से आप देख सकते हो। तो जिसको यहाँ से जाना यहाँ जा सकता है, बाकी हम तो एज ऑलवेज स्टेयर से ही प्रेफर करते हैं। और पहली जो सीढ़ी संख्या 425 है और मुश्किल से मुश्किल 2 घंटे के अंदर हरिद्वार पहुँच जाएंगे। तो आगे बढ़ते हुए सीढ़ियों का रास्ता जो हम लोग जा रहे हैं और आपको दिखाऊं तो ये देखो, ये सामने चरण पादुका जी है, वो आपको सामने दिख रहा है, माँ हरिद्वार जी का पवित्र गुफा गर्भजून। तो यात्रा में आगे बढ़ते हुए जय माता दी। तो दोस्तों पहुंच चुके हैं चरण पादुका मंदिर, सामने आप देख सकते हो। और ये अभी यहाँ से हमने सीढ़ियाँ खत्म की और ये फर्स्ट ईयर खत्म हुई है। अभी हालत बहुत टाइट है भाई, दोपहर में गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है। हाँ तो दोपहर में ना ही करो चढ़ाई, ज़्यादा बढ़िया। बाकी चरण पादुका मंदिर आप देख सकते हो, माता रानी ने पीछे मुड़ के देखा तो यहाँ पे आपको पत्थर में माता रानी जी के चरणों के निशान मिल जाएंगे। बिल्कुल, आपके ऊपर जाने के लिए ये है ट्रैक, यहाँ से जाना है वरना सीढ़ियों से एक रास्ता यहाँ से ऊपर जाता है। तो जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे वैसे आप जा सकते हो। जय माता। हम आगे बढ़ते हुए सामने आपको दिख जाएगा चरण पादुका मंदिर और ये रास्ता प्रॉपर आप स्टेयर से अगर आ रहे हो तो आपको प्रॉपर ले जाएगा हरिद्वार जी के पवित्र गुफा गर्भजून पे। और स्टेयर से आने का ये फायदा रहता है कि टाइम कम लगता है, बट धूप के टाइम में आपको प्रॉब्लम होती है क्योंकि इसमें ना शेड वगैरह नहीं इतना ज़्यादा, और गर्मी में क्या होता है बॉडी डिहाइड्रेट बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से प्रॉपर आप टाइम से नहीं पहुँच पाओगे, टाइम लगता है उसके अंदर। और सामने आपको व्यू दिखाऊंगा इस तक रहने वाला है। और टाइम अगर आपको टाइम हो रहा है अभी सुबह के 9:15 हो रहे हैं, तो अगर आप लोग चाहो तो यात्रा आप लोग लेट भी स्टार्ट कर सकते हो, जिसमें आप आराम से यात्रा करके ईजिली भवन तक टाइम से पहुँच सकते हो। जय माता दी। भाई यात्रा जो स्टार्ट होती है, फिनिशिंग पॉइंट आपको दिख रहा है वोरा, और चरण पाद जी का मंदिर नीचे होता है और सामने वो एक प्राचीन मंदिर, और ऊपर आपको मिल जाएगी पवित्र गुफा गर्भजून जो कि वहाँ पे है। और टाइम हो चुका है अपना 9:25 हो यात्रा में, देखो 9:25 हो रहा है। यात्रा में आगे बढ़ते हुए जय माता दी। आगे बढ़ते हुए टाइम सुबह के 10 बजे और कुछ इस तरह का व्यू आपको देखने को मिलेगा अगर आप सुबह के टाइम दर्शन करते हो। धूप वगैरह आपको मिल जाती है और बाकी गर्मी थोड़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है दोपहर के टाइम पे, शाम के टाइम में भी ठंड हो सकती है। तो आगे बढ़ते हैं यात्रा में। श्रद्धालुओं की संख्या पहले से थोड़ी सी कम है धूप की वजह से, मे बी, या फिर अभी थोड़ी लोगों को हमने जल्दी यात्रा स्टार्ट कर दी है। जय माता दी। इसके बाद एक सीढ़ी और बची है और ऊपर फाइनली हरिद्वार जी। और यहाँ से नीचे का व्यू कुछ दिखाऊँ आपको, सामने वो ब्लू शर्ट दिख रहा है वो है रेलवे स्टेशन, और फिनिशिंग पॉइंट हो रहा कुछ, हाँ एग्जैक्ट हो रहा। तो भाई गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो रही है, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है अगर आप लोग आ रहे हो साथ में कुछ, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है भाई, या तो हम कुछ खा कर इस वजह से, और गर्मी बहुत ज़्यादा है। और सबसे बड़ी बात है ट्रेन भी है शाम को 7:50 की, तो कोशिश है सेम डे, पहली बार हम ऐसा कर रहे हैं सेम डे जाएगा, सेम डे हम वापस नीचे जाएंगे, कोशिश करके देख रहे हैं, अगर हो गया ना भाई तो भाई रिकॉर्ड हो जाएगा। बाकी देखो उस मंदिर से जो सामने उसको कितनी ऊपर है, और सामने वो देखो वो जो ब्रिज बना हुआ है ना पूरा। तो यात्रा में आगे बढ़ते हुए जयकारा मां शेरावाली जी का बोल साचे दरबार की जय। लास्ट सीढ़ी और सामने माँ हरिद्वार जी की पवित्र गुफा गर्भजून, और यहाँ से व्यू दिखाऊँ तो ऐसा रहता है। यात्रा में आगे बढ़ते हुए जय माता दी पहुँचते हरिद्वार, और यहाँ से हम जैसी मुड़ेंगे और
इतना रुकने के बाद भी 2 घंटे से पहले भाई साहब। ये लो जी पीछे, और आपको मार्ग पर जी पवित्र हुआ गर्भजून, और टाइम से पहले पहुंचते हैं। हो चुके हैं मार्द कुआरी जी, और सामने माता रानी जी की पवित्र गुफा गर्भजून। और भाई आपको सारी फैसिलिटी मिल जाती है। तो देखो हम तो स्टेट से आए हैं, अगर आप लोगों को हेलीकॉप्टर से आना है तो आप उसकी ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हो। बाकी बैटरी कार भी मिल जाती है जिसकी आप ऑनलाइन बुकिंग करा के आ सकते हैं। और आगे आपको पोनी टेल वगैरह पिट्ठू पाल की भी मिल जाती है, सामने आपको मिल जाएगा। और व्यू कुछ ऐसा, जय माता दी। बस ब्रेक लिया था कुछ खाने पीने के लिए, और अगर आप लोग भी खाना चाहते हो तो ये आपको कुछ यहाँ पे देख लो रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे। इसके अलावा खाना भाई ध्यान रखना भाई, इधर आपको जो श्राइन बोर्ड की तरफ से कैंटीन है वो आपको मिल जाएगी, जिसका प्राइस आपको दिखाऊंगा एक बार। देखो बहुत मिनिमम होता है, ये देखो बहुत मिनिमम प्राइस होता है जो इजीली हर कोई अफोर्ड कर सकता है। ये आपको इधर मिल जाएगा, सामने बीकानेर मिल जाएगा, और तो और भाई मैकडी भी मिल जाता है केरा, क्योंकि मैकडी मिल जाता है जो कि विदाउट ओनियन गार्लिक, जहाँ पर सब कुछ मिल जाएगा, नो ओनियन नो गार्लिक। और सामने भगवती भवन, इधर माता रानी जी का अर्धकुंवारी जी पवित्र गुफा गर्भजून रहने वाली है। जय माता दी। इस तरह से रहती है कुछ पवित्र गुफा गर्भजून। अभी तो ग्रुप नंबर चल रहा है 115, तो इसकी प्रॉपर पर्ची कटती है। और आपको अगर वर्चुअल दर्शन करने हैं VR के थ्रू, तो भाई आप यहाँ पे मात्र 101 रुपये पे करके वर्चुअल VR से गुफा के दर्शन भी कर सकते हो। और भाई गर्मी ज़्यादा से ज़्यादा, श्रद्धालु संख्या थोड़ी कम है यहाँ पे। सामने माता रानी जी पवित्र गुफा गर्भजून, यहाँ से आगे बढ़ते हैं यहाँ तक की तरफ। जय माता दी। आपको फ्री एकोमोडेशन चाहिए तो ऊपर आपको शारदा भवन के अंदर फ्री एकोमोडेशन मिलता है, जहाँ पर फ्री में स्टे कर सकते हो। बाकी 150 रुपये के अंदर डोरमेट्री ऑनलाइन बुक होती है, उससे आप आ सकते हो। और जो नया रास्ता है तारागोट वाला, वो यहाँ से स्टार्ट होता है, जो पुराना रास्ता है वो वहाँ से स्टार्ट होता है। बट हम प्रेफर करेंगे आप लोग जाओ इस वजह से, क्योंकि ये बहुत ईजी है और आराम से आप पहुँच सकते हो। वो थोड़ा टफ है क्योंकि उसके अंदर चढ़ाई स्ट्रेट है, और ये अपनी ईजी टू अपनी जाती है। और इसके देखो लाइन लगी है प्रॉपर, से नंबर वहाँ चेंज होता है, उसके अकॉर्डिंग अंदर एंट्री होती है। तो बढ़ते हैं आगे। जय माता दी। आगे बढ़ते हुए, और ये हमारा नया वाला रास्ता है जो कि तारागोट वाला मार्ग है, और नीचे से हमारा जो तारागोट जो नीचे स्टार्टिंग करते वो होता है। और यहाँ देख लो भाई साहब, तो भाई इधर से आने का ना ये फ़ायदा होता है कि यहाँ पे टाइम कम लगेगा, और सबसे बड़ी बात क्या है, इतना रश नहीं होता, आप इजीली आ सकते हो। प्रॉपर शेड से कवर होता रास्ता, तो आराम से पहुँच जाएंगे। और अभी हमने ज़्यादा स्टार्ट करी है 11:10 पे, देखते हैं कितने टाइम तक हम पहुँच जाते हैं, क्योंकि आपको बता दें रात को 7:10 की ट्रेन है वापस आने की, तो टाइम से वापस आना पड़ेगा। जय माता दी। और हम आगे बढ़ते हुए, और भाई इस टाइम हम लोग हैं तारागोट वाले मार्ग पे, और हम जा रहे हैं इस टाइम पे भवन की तरफ, और हम लोगों ने अर्धकुंवारी क्रॉस कर लिया है। और इधर आप देखोगे तो ये नीचे आपको वे मिल जाएगा, जो हमारा तारागोट नीचे से आ रहा वाला वे है। और हम इस टाइम देखो वे पे अपने, और देखते हैं कितने जल्दी पहुँच जाएंगे टाइम से, क्योंकि ट्रेन है और साथ में हमारा भाई। तो भाई कैसा लग रहा है आपको? बढ़िया बढ़िया भाई, अब तो मजा आएगा। अब तो अब बस एक रिकॉर्ड और बनाना है, वहाँ का बना चुके हैं हम अभी, है ना। ये लो जी, आप मतलब पुरानी वीडियो देखते हो तो भाई 2 घंटे में पहुँचते होते, आज हम पहले ही पहुँच गए। और भाई 9वां महीना हमें कंटिन्यू आते हुए, तो माता रानी का आशीर्वाद, माता रानी जी का प्यार है। तो जय माता दी। रहती है बैटरी कार जिसकी आप ऑनलाइन बुकिंग करा के भी आ सकते हो। बाकी पोनी टेल कॉल की ऑप्शन है ही, और आप लोग हेलीकॉप्टर बुक करा के उससे भी माता रानी जी के भवन आ सकते हैं। जय माता दी। इतना लंबा रास्ता तय करने के बाद जब सामने आपको दिखता है ना माता रानी जी का भवन, एक अलग ही खुशी होती है। ये देखो, जय करम आशीर्वाद वाली जी दा, बोल साचे दरबार की जय। सामने माता रानी जी का भवन, टाइम हो रहा है 12:28, और हम लोग आ चुके हैं लगभग। थोड़ी सी देर माता रानी जी के भवन पे दर्शन करने चलेंगे। और अभी हमने एक चीज़ देखी, शायद से अगर हम सही हैं तो भाई देखो उधर कहीं ना, ये देखो आपको दिखाता हूँ अगर मैं जूम कर पाया तो। लो, 5 पांडव यात्रा जो होती है 5वें नवरात्रे पे, तो भाई जिन्होंने नहीं देखी भाई, तो जो सामने झंडा है ना, ये है 5 पांडव जो विराजित है यहाँ पे हैं। ये देखो सामने जो झंडा है ना, ये है 5 पांडव का, और जो भवन है वो जस्ट इसके इधर पड़ता है। ये देखो ये रहा टाइम, हम लोग पहुँच चुके हैं लगभग, अप्रोक्स भवन इस तरफ है हमारे। और थोड़ी सी देर में बस भवन पे नहा धो के दर्शन करते हैं, आप लोगों को बहुत सारा अपडेट दूंगा। आप लोगों ने वीडियो यहाँ तक देखी, वीडियो लाइक शेयर जरूर करना, और यात्रा में आगे बढ़ते हुए जय माता दी।
क्या होता है देखो, भवन ना खेल खेलता है एक तरह से। देखो अब भवन छुप चुका है, फिर से ऐसे वहाँ जाएंगे फिर छुप जाएगा, वहाँ कोने में पहुँचेंगे फिर से भवन दिख जाएगा। तो बिल्कुल पहुँचने वाले हैं। और ये जो रास्ता जाता है ये ऊपर आपको हेलीपैड के लिए जाता है रास्ता, यहाँ से आप लोग हेलीपैड भी जा सकते हो। और यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं। जय माता दी, शाम की ट्रेन है अपनी 7:50 की, तो टाइम से वापस आना है। आगे बढ़ते हैं। जय माता दी। चुके हैं माता रानी जी के भवन, और ये सामने है हमारा माता रानी जी का भवन, ये देख लो। और इधर हमारा रोड पे जाता हुआ, तो यात्रा में आगे बढ़ते हैं भाई, टाइम लिटरली काफ़ी कम है। तो फटाफट चल के हाथ धो के तैयार होकर दर्शन करते हैं, आप सबसे मिलते हैं दर्शन के बाद। और देखो अगर आप यहाँ स्टे करना चाहते हो 150 रुपये डोरमेट्री होती है जिसमें आप सामने स्टे कर सकते हो, और रोप वे का प्राइस 100 रुपये होता है, जिसके बाद अगर जो किसी ने कुछ बुक नहीं किया तो भाई सामने दुर्गा भवन है जिसके अंदर को फ्री डोरमेट्री सर्विस मिल जाती है, जिसमें आप फ्री में स्टे कर सकते हो। तो यात्रा में आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा रश यहाँ पे अभी देखने को मिल रहा है, बाकी नहा धो के दर्शन करते हैं माता रानी जी के, मिलते हैं आपसे दर्शन के बाद। जय माता दी। हम लोग को दिख जाएगा स्काई वॉक, वहाँ से हमारा ऊपर रोपवे के लिए रास्ता है। और ये हमारा वो है भाई जहाँ पे आप लोग फ्री में आके बाथिंग घाट बने हुए हैं, जहाँ पे आप लोग फ्री में आके स्नान करके माता रानी जी के दर्शन कर सकते हो। बाकी अगर बुकिंग है डोरमेट्री की तो वहाँ कर सकते हो, मोस्ट वेलकम है। बाकी इधर से कुछ रास्ता होता है ऐसा, ये फ्री में सारा बना हुआ है, दुर्गा भवन के पास आपको मिल जाएगा बाथिंग घाट, लेडीज एंड सबके लिए होता है, वहाँ इजीली आगे स्टे अपना स्नान करके यात्रा में आगे बढ़ सकते हैं। जय माता दी। तो के ऑल सेट फाइनल जा रहे दर्शन करने के लिए, और पीछे हमारे दुर्गा भवन है, और जस्ट आगे जाके अपना लॉकर बैग वगैरह रख के बढ़ते हैं आगे यात्रा में। मिलता है आप सबसे दर्शन करके आते हैं, आपसे मिलते हो कि अंदर मोबाइल फोन वगैरह अलाउड नहीं है, सब कुछ लॉकर में रख के जाना। तो मिलता है। जय माता दी। जय माता दी। श्रद्धालुओं की संख्या थोड़ी सी कम है आप देख सकते हो, और बाकी इधर आपको तृप्ति भोजनालय मिल जाता है, ये कुछ नवरात्रि में जो सजावट हुई थी उसका सामान है। और भीड़ ज़्यादा नहीं है, आप लोग इजीली दर्शन कर सकते हो। और इसके बाद आपको दिखाएं तो इधर आपको यहाँ डिस्पेंसरी मिल जाती है, इधर डोनेशन काउंटर है, ये आपको सुवनर शॉप जहाँ से आप लोग श्राइन बोर्ड से ऑथराइज जो प्रसाद होता है वो आप ग्रहण कर सकते हो। तो आगे चलते हैं, सामने आपको राम मंदिर मिल जाता है, एक बार आगे चलते हैं, मिलते हैं आते। जय माता दी। मिल जाता है राम मंदिर, और सामने से जब आप दर्शन करके आते इधर से भारत नीचे प्राचीन शिव गुहा मिल जाती है। और भाई दर्शन बहुत अच्छा, कैसे दर्शन भाई? बढ़िया एकदम बस। तो भाई फटाफट से चल रहे हैं क्योंकि टाइम बहुत कम है, हमको निकलना है, आगे चलते हैं हम लोग भैरव जी दर्शन के लिए, क्योंकि उसके अपना यात्रा अधूरी रहती है, वहाँ दर्शन करके उसके बाद हम लोग अपने घर जाते हैं, वहाँ जाके प्रॉपर कन्या पूजन करते हैं, उसके बाद यात्रा सफल होती है। तो पीछे आपको दिखाऊँ कुछ ऐसा, वहाँ से रोपवे जाती है, बाकी देख रहे रोपवे पर लाइन है, तो शायद हम लोग स्टेयर से ही फटाफट अपना ट्रैक कवर करेंगे। जय माता दी। शेरा वाली जी दा बोल साचे दरबार की जय। यात्रा सफल, चल रहे हैं भैरव जी दर्शन के लिए, और सामने से कुछ जाते हैं, रोपवे पे थोड़ी ज़्यादा भीड़ है, तो कोशिश है कि अगर रोपवे से अगर कम भीड़ है तो वहाँ से ट्रैवल कर लेंगे, वरना फिर सीधा स्टेयर वाला रास्ता चूज़ करेंगे और वहाँ से आगे बढ़ते हैं। और आपको बार बार मैं बोलता हूँ भैरव जी दर्शन जरूर कीजिए। और ये कुछ नवरात्रों में इस तरह से कुछ दरबार सजाया गया था, बहुत अच्छे दर्शन हो रहे हैं। जय माता दी। इतना श्रद्धालुओं की संख्या बहुत ज़्यादा है, और रोपवे की लाइन देखो वहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो हम लोग कोशिश हम लोग पैदल जाने की कोशिश कर रहे हैं कि स्टेयर से चले जाएंगे, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा इस वजह से, और हमारी ट्रेन भी है। चलिए पहुँच चुके हैं भैरव जी, और भाई टाइम हो रहा है 3:10, और यात्रा आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी भीड़ पहले ही ज़्यादा है, एक बार चल के दर्शन कर लेते हैं, क्योंकि अंदर ना फ़ोन वगैरह लाओगे दर्शन कर लेते हैं, मिलते हैं आप सबसे दर्शन करके, सीधा सामने मिलूंगा वहाँ पर। हो चुके हैं भैरव जी के सामने, भैरव जी मंदिर आप लोग भी दर्शन कर सकते हो, ये माता रानी जी की पवित्र गुफा है, और जो यहाँ पे नहीं आता उसकी यात्रा अधूरी मानी जाती है, तो अगर भवन के बाद यहाँ आना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इसके बिना यात्रा अधूरी है। और इसके अलावा कुछ ऐसा श्रद्धालु की संख्या रहने वाली है, और ये लो जी जिसको भी आना है आप आ सकते हो। जय माता दी। लो भैरव बाबा जी से माता रानी जी का भवन कुछ ऐसा दिखता है, ये लो जी ऐसा कुछ भवन दिखता है सामने माता रानी जी का भवन, और इधर आपको भैरव बाबा जी। जय माता दी। लो टाइम हो रहा है 3:25, यात्रा हो चुकी है कम्प्लीट, अब उतर रहे हम लोग नीचे के लिए, तो चलते हैं एक बार नीचे, ठीक है, और मिलते हैं आप सबसे फर्स्टिंग पॉइंट पे, या उससे पहले मिल जाएंगे, कुछ भी कम्प्लीट तीन हो रहा है, टाइम हो रहा है 3:25। इधर भैरव बाबा जी मंदिर, आप लोग भी हाजिर दर्शन कर सकते हो। यात्रा में आगे बढ़ते हैं, आप सबसे मिलेंगे हम लोग नीचे, जैसे जैसे टाइम उतरेगा मिलते रहेंगे, क्योंकि टाइम भी बहुत कम है और मोबाइल में बैटरी भी बहुत कम है। तो जय माता। तो भाई भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है यहाँ पर, एक अपडेट दे रहा हूँ आपको, जैसे छुट्टियाँ पड़ चुकी है बच्चों की, तो काफ़ी ज़्यादा क्राउड आ चुका है, और अभी मई और जून आने वाला था तो और छुट्टियाँ पड़ने वाली है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप अपना प्लान करके आना ज़रूर, पहले से बुक करके आओ। यात्रा में आगे बढ़ते हो, और पीछे आप देखो, पीछे आपको दिखेगा हेलीपैड, अभी देखो हेलीकॉप्टर चल रहा है अपना, देख लो हो रहा,
तो वो हमारा हेलीपैड है, यात्रा में आगे बढ़ते हैं, सनसेट तक आ चुका है, अब फटाफट चल रहे नीचे क्योंकि ट्रेन ऑलरेडी हमारी बहुत हमारे पास कम टाइम 4:30 ऑलरेडी हो चुके हैं और मैक्स टू मैक्स इतना टाइम बचा हुआ है आपका 5-6-7 बहुत कम टाइम है, फटाफट चलते हैं, हमें बैग वैग उठा के बढ़ा जल्दी रेलवे स्टेशन। जय माता दी। जब इस वाले जो हमारा रास्ता जा रहा है ये वाला रास्ता है जो हमारा भैरव जी से पुराना वाला रास्ता उससे आए, हम हमेशा तारकोट मार्ग से आते हैं बट आज फाइनल आपको ना बीच में वही वो नहीं पड़ेगा, मतलब भवन नहीं आता डायरेक्ट अधिकारी लेके जाता है और इसमें क्या है उससे थोड़ा छोटा पड़ता है बट इसके अंदर ना ढलान बहुत ज्यादा होता है, इस चक्कर में लोग इसे अवॉइड करते हैं और इसके अंदर ना स्टेयर्स भी आती है बट स्टेयर्स की क्वांटिटी काफी कम रहती है, बीच बीच में आती रहती है। बाकी अर्धद्वारी यहाँ से भी दिखेगा नहीं, अर्धद्वारी हम पहुँचने वाले हैं लगभग काफी मान लो 4:38 हो रहे हैं, उन्होंने एवरेज 5:30 तक मैक्सिमम हम अर्धद्वारी होंगे, यात्रा में आगे बढ़ते हुए। जय माता दी। सबसे बड़ी बात है को कल भी बताई थी वीडियो स्टार्ट होते हुए कि ट्रेन्स बहुत लेट चल रही हैं, आप उसके अकॉर्डिंग अपने अकॉर्डिंग हमारी जाने वाले भी जो कजिस्तान जा रहे हैं ना अभी, तो हमने पिछले 2 दिन का शेड्यूल देखा तो 4-5 घंटे लेट पहुंचे हैं, ये लो तो भाई उसमें फर्क आ जाता है, तो इस वजह से आप लोग आने से पहले प्रॉपर अपने ट्रेन के शेड्यूल चेक करो ट्रेन किस अकॉर्डिंग चली, क्योंकि जो दिल्ली से आने वाला जो रूट है कहीं से भी ट्रेन आ रही है अंबाला वाले रूट के ऊपर अभी थोड़ा किसान वगैरह कुछ मैटर चल रहा है वहाँ पे, अपना प्लान करके आप सोचो रोड से आ जाओगे तो रोड से और ज्यादा दिक्कत है, वहाँ पर और ज्यादा ट्रक है ट्रैफिक का, तो भाई रोड आना भी मतलब प्रॉपर सेफ नहीं क्योंकि रोड पे ट्रैफिक मिल सकता है, कुछ भी हो सकता है रोड पे, ट्रेन बैठ रहे हैं बट आप लोग अपने अकॉर्डिंग प्लान करो और आगे की जो बुकिंग वगैरह होगी आपकी डोरमेट्री होगी बाय फ्लाइट आ जाओ वो ज्यादा बेटर है क्योंकि उसके अंदर आपको कुछ प्रॉब्लम होगी। मत्था हाथी मत्थे का मतलब होता है भाई हाथी की सूंड की शेप के अंदर होता है, बट हम लोग ऑलवेज प्रेफर करते हैं स्टेयर्स, स्टेयर से क्या होता है डिस्टेंस इजली कवर हो जाता है, क्षेत्र स्टेयर है इजली कवर हो जाएगी और ये आपका हाथी मत्था रहने वाला है, तो इसमें फटाफट से चलते हैं और वे हमारे अर्धकुंवारी के लिए जा ही रहे हैं, फटाफट अर्धकुंवारी पहुँचते हैं। जय माता दी। सामने अर्धकुंवारी जी की पवित्र गुफा गर्जुन और हमने स्टेयर्स वाला रास्ता चूज़ किया, तो भाई आप अपने रिस्क पे चूज़ कर सकते हो क्योंकि इसके ऊपर ना स्टेयर्स बहुत ज़्यादा होती है, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है चलने में बट रास्ता सेफ है, वहाँ हम नीचे वहाँ पहुँच जाएंगे, काफ़ी लंबा रास्ता कटा सीधा अपना अर्धकुंवारी और टाइम अभी हो रहा है 4:49, कोशिश है कि जल्द से जल्द हम नीचे पहुँच जाए, मतलब सबसे पहले हमें पहुँचना है एनी हाउ, चल पक्के जैसे कैसे पहुँच जाए। जय माता दी। पहुँच चुके हैं अर्धकुंवारी, टाइम हो रहा है 5:12 और हम पहुँच चुके हैं अर्धकुंवारी भवन, यहाँ से चलते हैं नीचे की तरफ, नीचे चलते सीढ़ी लेंगे और देखते हैं भाई अभी देखो फिलहाल 5:12 हो रहे हैं, एक बार आपको एक बार टाइम दिखा दूंगा कितना टाइम लगता है एग्जैक्ट, आपको एक घंटे से पहले अर्धकुंवारी उतर जाएंगे हम लोग, हो रहा है 5:23 उतर रहे हैं फाइनली सीढ़ियों से, अब देखते हैं कितनी देर में हम पहुँच जाते हैं कटरा फ्रेशिंग पॉइंट पे। जय माता दी। शुरू हुआ था 5:58 पे चरण पादुका आ चुके हैं देख लो, अब देखते हैं नीचे कितने पहुँच जाते हैं, आ चुके हैं नीचे बाढ़ गंगा पे और टाइम दिखाऊँ आपको, टाइम हो रहा है शाम के 6:08 पे यात्रा स्टार्ट करी थी, मात्र 10-11 घंटे के अंदर अंदर हम लोगों ने सेम डे के अंदर आना जाना कर लिया भैरव जी से नीचे तक और नीचे से भैरव जी तक, ये लो जी। तो भाई शायद मुझे लगता है ये हमने कुछ रिकॉर्ड बनाया मे बी, बट काफ़ी लोग कर चुके होंगे ऑलरेडी इस चीज़ को बट हमने ये फर्स्ट टाइम किया है, तो बहुत हमारे लिए तो प्राउड मोमेंट है कि हम सेम डे में आ गए और क्योंकि हमारी ट्रेन है हम आराम से 7:00 में ट्रेन भी ले सकते हैं। जय माता दी। हो रहा है 6:11, RFID कार्ड वापस करने का टाइम आ चुका है, यात्रा हो चुकी है समाप्त, बहुत अच्छा लगा यात्रा में। जय माता। सुबह जहाँ से यात्रा स्टार्ट करी थी वापस यात्रा एंड कर चुके हैं, पीछे अर्धकुंवारी जी का भवन और स्टैंड हमें कटरा बस स्टैंड पे, चलते हैं रेलवे स्टेशन पे और अपनी ट्रेन है 7:50 की। जय माता दी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर कमेंट कर देना और क्या कुछ कमी रह गई हो तो छोटे भाई को गलती समझ के माफ कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय।